हेलो बच्चों, मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। इसके पहले का भाग 1 जरूर देखिए, आपको भाग 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बच्चों, हम इतिहास पार्ट 9 बदलता जीवन भाग 1 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने परिवार संस्था, समाज कल्याण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, किडनी ट्रांसप्लांट और टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में जाना और साथ ही हमने टीकाकरण के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की है। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं शहरीकरण। शहर अथवा नगरीय क्षेत्रों में जन बस्तियों के केंद्रित होने की प्रक्रिया को शहरीकरण कहते हैं। शहर और नगर में जो जन बस्ती रहती है, उन्हीं बस्तियों को हम शहरीकरण कहते हैं। जितने लोग ज्यादा बसते हैं उसको हम शहरीकरण कहते हैं। जनसंख्या का बढ़ना नगरीकरण का महत्वपूर्ण कारण है। मतलब ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या बढ़ना, लोग गांव से शहर आते हैं और शहर में रोजगार के कारण, शिक्षा के कारण और अन्य कारणों से वो शहर आते हैं और शहर आने से क्या होती है, यहाँ पे जनसंख्या बढ़ती जाती है। इसलिए जनसंख्या बढ़ना जो है नगरीकरण का महत्वपूर्ण कारण है। हवा, पानी, समूह जीवन के लिए आवश्यक आर्थिक और सामाजिक संस्था आदि घटकों पर नागरिकीकरण का परिणाम होता है। कहने का मतलब, जब यहाँ आते हैं ज्यादा लोग तो हवा प्रदूषित हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। उसके अलावा कूड़ा करकट, गंदगी से भी प्रदूषण बढ़ जाता है, यानी हवा दूषित होती है, पानी की कमी हो जाती है। वो सामूहिक जीवन के लिए ज्यादा से ज्यादा सभी चीजों को जरूरत होती है और वो चीजें उनको कमी पड़ने लगती है, जैसे मकान हो गया, अन्न हो गया, पेयजल हो गया, ये सभी चीजें कमी होने लगती है और इन सभी घटकों का प्रभाव जो है नागरीकरण पर पड़ता है। स्वतंत्रता के बाद के कालखंड में भारत में मृत्यु दर का घटना, औद्योगिकरण, ग्रामीण भाग में रोजगारों की अनुपलब्धता, यानी ग्रामीण भाग में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा उद्योग नहीं है जिसके कारण लोग शहरों की ओर आते हैं। शहरों में रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, व्यापार भी वो कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा भीड़ होता तो ज्यादा व्यापार हो सकता है। और स्थलांतर नगरीय जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण है। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया है, ज्यादा जनसंख्या बढ़ने के कारण लोग निम्न प्रकार के आवास में, जैसे झुग्गी झोपड़ियों में बस जाते हैं, जिससे वहाँ का पूरा वातावरण प्रदूषित हो जाता है। बहुत बड़ी मात्रा में लोग शहरों में आते हैं, जिसके कारण लोग स्थलांतर करते हैं, चाहे व्यवसाय के लिए, चाहे शिक्षा के लिए, अन्य कारणों से वो शहरों में आते हैं, जिसके कारण जनसंख्या बढ़ती है। शहरों पे पड़ने वाले दबाव को कम करना हो तो छोटे छोटे गांवों में रोजगार उपलब्ध करवाना, आर्थिक विकास का संतुलन साधना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, महानगरों में होने वाली वृद्धि को नियंत्रित करना, ग्रामीण तथा नगरीय भागों में आवश्यक सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध करवाना जैसे उपाय है। मान लो अगर हमको शहर की जनसंख्या कम करना है तो उसके लिए हमको क्या करना होगा कि सबसे पहले काम तो हमको जो छोटे छोटे गांव हैं वहीं पे उनको रोजगार दिलवाना होगा। उनको नौकरी रहेगा तो शहरों में नहीं आएंगे। आर्थिक विकास में संतुलन साधना होगा, यानी शहरों में भी उतना उद्योग वगैरह होना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र में भी उद्योग वगैरह होना चाहिए और नौकरियां वगैरह होना चाहिए। और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना होगा, वहाँ यानी ग्रामीण क्षेत्रों का हमें विकास करना होगा। महानगरों में होने वाली वृद्धि को हमको नियंत्रित करना होगा। जब हम ऐसा करेंगे तभी महानगरों की जो जनसंख्या हो नियंत्रित होगी। ग्रामीण तथा नगरीय भागों में आवश्यक सेवाओं की कमी होती है तो वो सेवाओं की पूर्ति वहाँ करनी होगी, जैसे बिजली हो गया, पेयजल हो गया, शिक्षा के लिए विद्यालय नहीं है, सिनेमा घर नहीं है, तो ये सारी सुविधाएं हमको वहां पर करेंगे तो फिर वहां पे लोग वहां की जनसंख्या वहीं रहेगी और इस प्रकार जो संतुलन जो है बना रहे। ग्रामीण भाग देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया है, ग्रामीण भाग का गांव है और नीचे बस्ती का चित्र दिया गया है। स्वतंत्र या सामूहिक रूप से बोई जाने वाली भूमि के पास रहने वाले किसानों की बस्ती को गाँव कहते हैं। तुम गाँव जाते होगे तो तुम देखे होंगे के गांव में जो तुम्हारा घर है उसके अगल बगल में चारों तरफ खेत ही खेत तुम्हें दिखाई देते। खेत के बीच जो किसानों की बस्ती होती है उसे हम गांव कहते हैं। कृषि की खोज किए जाने पर गांव अस्तित्व में आया। प्राचीन काल में लोग शिकार करते थे, यहाँ वहाँ भटकते रहते, तो उसके बाद कृषि की खोज हुई और कृषि की खोज होने के कारण लोग एक जगह स्थायी रूप से रहने लगे और इस प्रकार धीरे धीरे गाँव अस्तित्व में आया, यानी गाँव बना। भारत की देहात पद्धति विरल जनबस्ती की पद्धति है। देखा होगा कि जो गांव देहात होता है उसमें बहुत कम जनबस्ती रहता है, बहुत कम लोग। जैसे शहरों में ज्यादा जनबस्ती रहता है और गांव में कम रहता, कहीं कहीं घर रहते हैं। आसपास फैली हुई खेती की भूमि और बीच बसे हुए घरों की घनी बस्ती भारतीय देहातों की प्रमुख विशेषता है। घर रहता है और घर के आसपास जो है खेत या भूमि रहती है, और ये जो घनी बस्ती है वही देहात की प्रमुख विशेषता होती है। ग्रामीण समुदाय बड़ा भी हो तभी नगरीय समुदाय की तुलना में वह काफी छोटा गुट होता है, और गांव से छोटा गुट बस्ती होता है। गांव होता है, गांव बड़ा होता है, और गांव से जो छोटा होता है उसको हम बस्ती कहते हैं। संपूर्ण भारत की ग्राम रचना एक जैसी नहीं होती है। प्रांतीय स्वरूप और स्थलीय विशेषता के अनुसार उसमें अंतर दिखाई देता है। पूरे भारत में देखा जाए तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग ग्राम रचना होती है। प्रांतीय स्वरूप के अनुसार उसमें अंतर दिखाई देता है और स्थलीय स्वरूप के अनुसार। जैसे उदाहरण के मतलब ये उदाहरण स्वरूप ये बताया जा सकता है, जैसे अभी पहाड़ी क्षेत्र में उतना बस्ती तुमको नहीं दिखाई देगा, बहुत कम दिखाई देगा। जैसे रेगिस्तान जो है वहाँ पे बस्ती कम दिखाएगी, उसके अपेक्षा जो मैदानी इलाका है वहाँ पर ज्यादा जनबस्ती तुम्हें दिखाई देगी। स्वतंत्रोत्तर कालखंड ग्राम विकास की दृष्टि से सामूहिक विकास योजना शुरू किया गया। उसके माध्यम से कृषि तकनीक को बदलना, जल सिंचाई बढ़ाना, शिक्षा का प्रसार करना, भूमि सुधार कानून मंजूर करना जैसी योजनाएं बनाई गई। जब हमारे देश को आजादी मिली तो हमारे देश का विकास करने के लिए तरह तरह का बदलाव किया गया, जैसे सिंचाई को बढ़ाना, शिक्षा का प्रसार करना, कृषि के नए तकनीकों का प्रयोग करना और भूमि सुधार कानून को मंजूर करना, ऐसी योजना बनाई गई। इन योजनाओं के अनुसार कृषि उपज बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा का प्रसार करना यह प्रमुख उद्देश्य था। ग्रामीण भाग में आर्थिक विकास को वरीयता देने का निश्चय किया गया। आर्थिक विकास यानी वहाँ पे उद्योग वगैरह बढ़ाना, इसको प्राथमिकता दी गई। वरीयता मतलब प्राथमिकता देना। इसके कारण सरकार ने ग्राम पंचायतों के माध्यम से कार्य शुरू किया। ग्राम पंचायत की संरचना में सभी जातियों जनजातियों के लोगों को समाहित करने की भी शुरुआत की गई, और इसके लिए ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के अधिकार भी बढ़ाए गए। देखो बच्चों, ऊपर दिखाया गया है सिंचाई के लिए जो विद्युत की पूर्ति करना और पंप सेट से या ट्यूबवेल से खेतों में सिंचाई करना। यहाँ पे शिक्षा का दिया गया है, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार करना। उसके अलावा गांव के विकास करने के लिए ग्राम पंचायत बनाया गया है, और ग्राम पंचायत में सिर्फ जो बड़े बड़े ऊंचे वर्ग के लोग ही नहीं बल्कि निचली जाति के लोग और जनजातियों को भी समाहित किया गया है। बदलता आर्थिक जीवन। पहले ग्रामीण जीवन आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर था। गांव के अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर थे। कारीगरों को उनके काम के मेहनताने के रूप में कृषि उत्पाद बांट दिया जाता है। अब यह परिस्थिति बदल चुकी है। ग्रामीण भाग को कृषि और कृषि संबंधी पूरक धंधों से जोड़ा गया है, तो नगरीय समाज कृषितर उत्पादन और सेवा व्यवसायों से जुड़ गया है। पहले क्या होता था, अगर लोग खेती करते थे तो खेती में जो भी अनाज उत्पादन होता था तो उसको एक दूसरे को देके अपनी जरूरतें वो पूरी कर लेते, आपस में बांट लेते थे। लेकिन अब बदल गया है, लोग कृषि के साथ साथ पूरक व्यवसाय भी करने लगे। जैसा अगर कोई खेती कर रहा है तो खेती के साथ वो पशु पालने का भी व्यवसाय करने लगे हैं, तो इसे पूरक व्यवसाय कहा जाता है। ग्रामीण विकास। भारत में वर्ष 1961 में 82% लोग ग्रामीण भाग में रहते थे। 1971 में यह अनुपात 80.1% था। यानी कहने का मतलब जो जनसंख्या है वो और कमी हो गई। 1961 में 82% था, तो 1971 यानी 10 साल में और जनसंख्या जो घट के ग्रामीण क्षेत्र का जनसंख्या 2% घट गया। अनाज एवं अन्य कच्चे माल का उत्पादन कर शहरों की जरूरतों को पूरा करना, शहरों के औद्योगिकरण विभाग को श्रमिकों की आपूर्ति करना, प्राकृतिक संसाधनों की देखभाल करना, ये सारे काम ग्रामीण भाग आज तक करता आया है। जो शहरों में जो उद्योग होते हैं तो वहाँ से मजदूर यहाँ आते हैं। जैसे पक्का माल बनाना है, जैसे शक्कर बनाना है, तो शक्कर के लिए गन्ना कहाँ से आ रहा है, गाँव से आ रहा है। तो प्राकृतिक संसाधनों की पूर्ति करने का काम जो है ग्रामीण क्षेत्र के लोग करते हैं। इस कारण आर्थिक व्यवसायों का विकास करना, सामाजिक आवश्यकताएं एवं सुविधाओं का विकास करना, सांस्कृतिक और सामाजिक एवं वैचारिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ये 3 महत्वपूर्ण चुनौतियां जो है ग्रामीण विकास के संदर्भ में है। तो ये सब करने के लिए हमें क्या करना होगा इस पर हमें ध्यान देना होगा। भूमि सुधार एवं जल सिंचाई परियोजनाओं को गति प्रदान करना आवश्यक है। सामाजिक आवश्यकता एवं सुविधा, सार्वजनिक स्वच्छता और स्वास्थ्य की सुविधाएं की ओर हमें सबसे पहले ध्यान देना जरूरी है। पेयजल की बारहमासी सुविधा करना चाहिए, स्वच्छता गृह बनाना चाहिए, स्वच्छता गृह यानी शौचालय वगैरह बनाना चाहिए। बंद नालियां, नालियां जो है देखो ग्रामीण क्षेत्र में नालियां जो है खुली रहती हो, नालियां जो है बंद होना चाहिए ताकि मच्छर मक्खी ना हो। सकरी सड़कें, ग्रामीण भागों में बिजली, औषध उपचार की असुविधा जैसी समस्याओं से ग्रामीण भाग आज भी घिरा है। देखा जाएगा तो गांव की शहरें कैसे रहती है, सकरी रहती है, पतली पतली रहती है, और ग्रामीण भागों में देखा जाए तो बिजली कुछ ही घंटों के लिए आती है, तो इसके कारण लोगों को असुविधा होती है। उसके अलावा सही समय पे लोगों को औषध उपचार नहीं मिल पाता, दवाई वगैरह नहीं हो पाता है। तो ये जो समस्या है इन समस्याओं से आज भी ग्रामीण भाग जो है घिरा हुआ है। प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक स्तरीय सुविधा की उपलब्धता का अभाव है, यानी वहाँ पे बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े कॉलेज, विद्यालय नहीं है, और अगर स्कूल भी है तो वो निम्न दर्जे का है। मनोरंजन केंद्र जैसे नाटक घर हो गया, सिनेमा घर हो गया, ये रिसोर्ट वगैरह हो गया, इन सभी का अभाव है। उसके अलावा लाइब्रेरी वगैरह नहीं है, उसकी संख्या कम होने के कारण वहाँ लोग अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, और ग्रामीण भाग की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। देखो बच्चे, यहाँ चित्र दिखाया गया ऊपर सकरी सड़क, गांव की जो सड़क होती है वो पतली पतली होती है। भारत में जो पहले जो 4 पंचवर्षीय योजना आया, उस समूह में विकास योजना को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। पंचवर्षीय योजना तो हर 5 साल में होता है, लेकिन जो शुरुआती समय का जो 4 पंचवर्षीय योजना था उसमें ज्यादा करके विकास करने के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया। महाराष्ट्र राज्य में इस योजना के अंतर्गत प्रभावशाली कार्य किया है। महाराष्ट्र में वर्ष 1962 में जिला परिषदों की स्थापना किया गया, और वर्ष 1970-71 में महाराष्ट्र में सकस आहार यानी पौष्टिक भोजन योजना भी शुरू किया गया। कुएं खोदना और नलों द्वारा जलापूर्ति करना, इसके लिए ग्रामीण जलापूर्ति योजना शुरू किया गया। वर्ष 1971 के अंत में 1677 लघु उद्योग बाद योजना परियोजनाओं पर काम पूर्ण किए गए। देखो बच्चों, यहाँ पे दिया गया जलापूर्ति योजना के अंतर्गत नलकूप वगैरह करना, खुदाई, कुएं की खुदाई करना। ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण यानी गाँव में जो बिजली होता है उसका, बिजली का निर्माण करना या बिजली की सप्लाई करना, उसको विद्युतीकरण कहते हैं। तुमने देखा होगा कि शहरों में 24 घंटा बिजली रहती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कम बिजली रहती है। ग्रामीण भाग में विकास हेतु बिजली की नित्यांत आवश्यकता होती है। कृषि में जलापूर्ति हेतु स्वचालित पंप लगाते हैं। दूध एवं अंडे जैसे नाशवान पदार्थ टिकाए रखना, फल तथा साग सब्जी टिकाए रखना, खाद परियोजना चलाना, विद्यार्थियों का अध्ययन हेतु रात में बिजली का होना, पंखा, दूरदर्शन जैसे यंत्रों के लिए बिजली लगती है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में 3000 देहातों में विद्युतीकरण किया गया, यानी वहां पे बिजली की सप्लाई किया गया। वर्ष 1973 में यह संख्या 1,38,646 देहातों तक पहुंच गई, यानी ये जो बिजली की पूर्ति करने का जो कार्य है ये ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया गया। वर्ष 1966 में पंप एवं नलकूपों को अधिक बिजली देने की परियोजना बनाई गई। वर्ष 1969 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना किया गया। इसी से आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारी संस्थाएं भी अस्तित्व में आई, यानी उनका भी निर्माण किया गया। औद्योगिक विकास, ग्रामीण और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्रामोद्योग नियोजन समिति की स्थापना किया गया। वर्ष 1972 के अंत तक इस योजना में लगभग 1,06,000 लोगों को रोजगार मिला, यानी रोजगार यानी नौकरी मिली। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिकूल परिस्थिति में रहने वाले विशेष बुद्धिमान विद्यार्थियों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने सातारा, औरंगाबाद, नासिक एवं चिखलदरा में विद्या निकेतन नाम से छात्रावास माध्यमिक विद्यालय आरंभ किए। जो ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ का स्थिति परिस्थिति अच्छी नहीं है, प्रतिकूल परिस्थिति है, तो वहाँ पे जो बुद्धिमान लड़के, जो पढ़ने वाले अच्छे विद्यार्थी, होशियार विद्यार्थी है, उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए जो हमारी महाराष्ट्र सरकार ने जगह जगह पर विद्या निकेतन और छात्रावास माध्यमिक विद्यालय शुरू किया। कोठारी आयोग की सिफारिश के अनुसार महाराष्ट्र में राहुरी या कोला परभणी एवं दापोली में कृषि विश्वविद्यालय शुरू किए गए। महाराष्ट्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों को देखते हुए यूनेस्को ने वर्ष 1972 में साक्षरता प्रसार गौरव का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार महाराष्ट्र को दिया। इस प्रकार स्वतंत्रोत्तर समय में आरंभ में उत्पन्न हुई बाधाओं को पार करते हुए भारत ने विकास का लक्ष्य साधने की शुरुआत की, यानी धीरे धीरे वो लगातार विकास करता जा रहा है। अगले पार्ट में हम अन्य क्षेत्रों में हुई प्रगति का अध्ययन करेंगे। बच्चों देखो, ये चित्र जो है दापोली का कृषि अभियांत्रिकी एवं तंत्र विज्ञान महाविद्यालय का है।